हूं देव की। कारोबार के लिहाज से साल 2011 का सफर भले ही काफी उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन कई सेक्टर के लिए ये खुशियां लेकर आया, तो कुछ सेक्टर के लिए ये निराशाजनक रहा। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये साल कैसा रहा, आइए जानते हैं अपनी खास पेशकश 2011 में ऑटोमोबाइल्स की धूम में। वैश्विक आर्थिक मंदी की आहट ने जहां कई सेक्टरों की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ दी, वहीं इस आर्थिक मंदी ने ऑटो सेक्टर की भी हवा निकाल दी। साल 2011 ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए कैसा रहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2012 ने दस्तक दे दी है, कुछ पुरानी तो कुछ नई यादों को समेटे साल 2011 खत्म होने की कगार पर है। लेकिन ऑटो क्षेत्र के लिए 2011 का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई कंपनियां अपने नए प्रोजेक्ट लेकर आई तो कई कंपनियों ने मौजूदा प्रोजेक्ट के नए अवतार को लॉन्च किया। आइए जानते हैं कि कार कंपनियों ने साल 2011 में आपके लिए कौन कौन सी गाड़ियों को लॉन्च किया। मारुति स्विफ्ट, हुंडई इयोन, टाटा इंडिका विस्टा, होंडा ब्रियो, बीट डीजल, निसान सनी, टाटा आर्या, इटियोस लीवा, महिंद्रा एक्सयूवी 500। साल 2011 में सड़कों पर उतरी इन गाड़ियों ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बेहतर माइलेज, आकर्षक रंग, डिजाइन, पावरफुल इंजन के साथ आई इन गाड़ियों ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी। प्रतिस्पर्धा की होड़ में दौड़ती ये गाड़ियां न केवल कंपनियों को ही चुनौती दे रही हैं, बल्कि कार के शौकीनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बिजनेस डेस्क, फोकस टीवी। मारुति सुजुकी ने साल 2011 में अपनी पुरानी कार स्विफ्ट को नए अवतार में उतारा है, जो कि हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। मारुति सुजुकी ने इस साल अपनी पॉपुलर कार स्विफ्ट को नए अवतार में उतारा। स्विफ्ट जो भारत में 5 साल पहले आई थी और अभी तक हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। नई स्विफ्ट को इस साल अगस्त महीने में लॉन्च किया गया। इसके बाहरी लुक में उतना ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन मौजूदा स्विफ्ट के मुकाबले नई स्विफ्ट में ज्यादा इंटीरियर स्पेस है। यही वजह है कि नई स्विफ्ट को न्यू प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। साथ ही नई स्विफ्ट का व्हील बेस 243 मिलीमीटर मौजूदा स्विफ्ट से ज्यादा है, जिसके चलते ही नई स्विफ्ट अब ज्यादा बोल्ड और डायनेमिक लगती है। मौजूदा स्विफ्ट की तरह ही नई स्विफ्ट में पेट्रोल और डीजल इंजन वेरिएंट उपलब्ध हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का इंजन है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन है। कंपनी इसे भारत के साथ यूरोपियन देशों में भी बेच रही है। बिजनेस डेस्क, फोकस टीवी। वहीं साल 2011 में कोरिया की जानी मानी कंपनी हुंडई मोटर्स ने भी भारतीय बाजार में अपना जलवा पूरी तरह से बिखेरा। अक्टूबर महीने में इस कंपनी ने अपनी जानी मानी कार इयोन को लॉन्च किया। कोरिया की जानी मानी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स ने इस साल भारतीय बाजार में एक बड़ा धमाका किया। हुंडई मोटर्स ने अक्टूबर महीने में अपनी इयोन कार को लॉन्च किया, जिसकी एक शोरूम कीमत 2,70,000 रुपए से लेकर 3,72,000 रुपए के बीच है। कंपनी ने इयोन को विशेष तौर पर भारतीय बाजार के लिए विकसित किया है। कार में 814 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा है, साथ ही इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, कीलेस एंट्री, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मौजूद हैं। भारतीय बाजार में इयोन 6 अलग अलग वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है। लुक और स्टाइल के मामले में ये कार वाकई बेहतरीन है।
कंपनी इस कार के जरिए भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति ऑल्टो को सीधी टक्कर दे रही है। ये कार पिछले साल कोरिया में लॉन्च हुई थी, जहां इसे जबरदस्त सफलता मिली है। वहीं भारतीय बाजार में कार का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। बिजनेस डेस्क, फोकस टीवी। शक्तिशाली इंजन, आकर्षक लुक, अत्याधुनिक खूबियों से भरपूर, टाटा ने साल 2011 में विस्टा को नए संस्करण में लॉन्च किया। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस साल के अगस्त महीने में अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा विस्टा का नया संस्करण पेश किया। नई टाटा विस्टा में शक्तिशाली इंजन, आकर्षक लुक, अत्याधुनिक खूबियों की बदौलत ग्राहकों को सेडान जैसा अनुभव और साथ ही अपने वर्ग के दूसरे वाहनों की तुलना में जोरदार इंटीरियर स्पेस भी दिया गया है। टाटा विस्टा को नया क्रोम ग्राइल, ट्रिपल बैरल हेडलैम्प, एलॉय व्हील्स और सिग्नेचर कलर समर स्पार्कल इसे और भी खास बनाता है। नई टाटा विस्टा 4 मॉडल और 6 रंगों में उपलब्ध है। दिल्ली शोरूम में डीजल संस्करण की कीमत 4,79,000 रुपए, वहीं पेट्रोल संस्करण की कीमत 3,88,000 रुपए से शुरू है। बिजनेस डेस्क, फोकस टीवी। इस बार जापान की कार कंपनी होंडा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी खूब धूम मचाई। कंपनी ने अपनी छोटी और सबसे सस्ती कार ब्रियो को साल 2011 में पेश किया। जापान की दिग्गज कार कंपनी होंडा मोटर्स ने भी भारतीय बाजार में इस साल बड़ा धमाका किया। दरअसल कंपनी ने अपनी छोटी और सबसे सस्ती कार ब्रियो को पेश किया। इस कार की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए से लेकर 5,10,000 रुपए के बीच है। इस कार को खास तौर पर भारत के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऐसे में यहां के ग्राहकों को ये कार खूब पसंद आ रही है। आपको बता दें कि होंडा ब्रियो में 4 सिलेंडर 1.2 लीटर आई वीटेक इंजन लगा हुआ है, जो 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। ब्रियो में 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है। पेट्रोल इंजन वाली ये कार 4 मॉडल और 6 रंगों में उपलब्ध है। इसके 4 मॉडलों में ब्रियो EMT की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए है, वहीं ब्रियो SMT की कीमत 4,35,000 रुपए है। बात करें अगर ब्रियो SOMT की तो इसकी कीमत 4,90,000 रुपए है, साथ ही ब्रियो VMT की कीमत 5,10,000 रुपए है। बिजनेस डेज, फोकस टीवी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।